तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा भी बोलते हैं, इसका हम लोग सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस कह लीजिए या फाइनल सिलेबस कह लीजिए वो देखने वाले हैं 2023-24 के सेशन के लिए। अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम 2023-24 में देने वाले हैं और आपके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है आपके क्लास के अंदर, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आपका हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो, क्योंकि दोनों ही मीडियम के अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है सिलेबस आपका देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और पर्टिकुलरली अपना सिलेबस इंग्लिश मीडियम में ही देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगा। इस टाइम स्टैम्प से जाकर के आप अपना वीडियो, मतलब ये वाला जो सिलेबस है आपका फिजिकल एजुकेशन का, वो देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको इस साल के अंदर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो स्टार्टिंग से ही वीडियो देखिए, आपको पूरा मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी से मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी अपने साथ जो है एक नोटबुक लेकर के जरूर बैठिएगा। अगर आपके पास बुक है तब तो वेल एंड गुड है, बुक नहीं है तो एक नोटबुक यानी कि एक कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। जो जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ उन सभी चैप्टर के नाम जो है जरूर लिख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपको अपना सिलेबस समझना होगा दोबारा से, तुरंत आप अपना नोटबुक खोलिए, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर के नाम देखने को मिल जाएंगे। अच्छा भैया ये चैप्टर पढ़ने है, चलो ठीक है। तो इस तरह से आपका जो अभी टाइम दे करके ये वीडियो देख रहे हैं ना अपना सिलेबस समझने के लिए, फ्यूचर में और आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चों से, और हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि ये चीज जरूर किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि भैया टाइम इज मनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका कोई डाउट रहता है जो आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, कई बार रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है jayjha07, इंस्टा पर जाकर के सर्च कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये चेहरा मेरा आप देख सकते हैं, फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो वहां पर पूछ लीजिएगा, मतलब मुझे डीएम कर दीजिएगा डायरेक्ट मैसेज, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है क्लास 12 सीबीएसई 1-3। ये जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है क्लास 12 के बच्चों के लिए वो देखने को मिल जाएगा, जहां पर 3000 के आसपास बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए, इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ वगैरह हम वहां पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना सिलेबस समझते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं फिजिकल एजुकेशन की, तो फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी के तरफ से कोई पर्टिकुलर यहाँ पर कह लीजिए बुक नहीं आता है फिजिकल का, खास करके हिंदी मीडियम में। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में तो जारी किया जाता है एनसीईआरटी के तरफ से भी, और आपका कह लीजिए यहाँ पर सीबीएसई के तरफ से भी, लेकिन हिंदी मीडियम में कोई बुक नहीं आता है। लेकिन मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो जो इसकी बुक होती है वो आप अपने नियर बाय जो आपका स्टेशनरी होता है वहां पर जाकर के हिंदी मीडियम में परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक वाला नहीं होता है, मतलब लोकल टाइप का होता है, मैंने ऐसा देखा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो इस बार का यहाँ पर बुक जारी किया गया है सीबीएसई की तरफ से, उसका फ्रंट पेज मैंने यहाँ पर लगा रखा है, ठीक है। चलिए हम अपना सिलेबस समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर, ठीक है। पहला जो चैप्टर है आपका खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आपका खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, ये भी पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आपका जीवन शैली संबंधी रोगों के निवारण हेतु योग, ये पढ़ना है आपको। चौथा जो चैप्टर है आपका शारीरिक शिक्षा और खेल, ये भी पढ़ना है। पांचवा जो चैप्टर है आपका खेल व पोषण, ये भी पढ़ना है। छठा जो चैप्टर है आपका खेलों में परीक्षण तथा मापन, ये भी पढ़ना है। सातवा जो चैप्टर है आपका शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं खेलों में चोटें, ये भी पढ़ना है आपको बच्चों। और आठवां जो चैप्टर है आपका जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद, ये भी पढ़ना है। नौवां जो चैप्टर है आपका मनोविज्ञान और खेल, ये भी पढ़ना है। और दसवां जो चैप्टर है आपका खेलों में प्रशिक्षण, ये भी पढ़ना है। तो टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर, यानी कि 2023 यहाँ पर 2023-24 का जो सेशन रहने वाला है इसके अंदर ये 10 चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही चीज मैं आपको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया है उसके अंदर इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट वाइज लिखा गया है, यूनिट मतलब वही चैप्टर समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये यूनिट वन मतलब चैप्टर वन कह लीजिए यहाँ पर, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स करके दे रखा है, स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है। यूनिट टू यहाँ पर चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स करके है, ठीक है। तो इस तरह से 10 चैप्टर जो है वो टोटल आपको पढ़ना है, ठीक है। 70 नंबर का आपका पेपर होता है, आपको पता है थ्योरी का जो पेपर होता है फिजिकल का वो 70 नंबर का होता है। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल वर्क होता है, और टोटल आपका जो रिजल्ट बनता है वो 100 नंबर का बनता है, ठीक है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। आई होप कि आपको मतलब पूरा समझ में आई गया होगा। एक बारी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस आया है, उसका भी पीडीएफ एक बारी देख लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से सीबीएसई ने फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो जारी किया है। जो ऑफिशियल पीडीएफ आया है सीबीएसई की तरफ से फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के लिए, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिलेबस 2023-24। कोड रहता है हमारा 048, हर सब्जेक्ट का अपना एक कोड रहता है। और जो सिलेबस आता है वो 11th और 12th का कंबाइंड आता है, ठीक है। एक ही पीडीएफ के अंदर 11th क्लास का भी आपको सिलेबस देखने को मिलेगा इसी सब्जेक्ट का, यानी कि जैसे फिजिकल एजुकेशन का है तो फिजिकल का 11th का भी सिलेबस रहेगा और 12th का भी सिलेबस रहेगा, ठीक है। मैं आपको 12th क्लास का सिलेबस दिखा देता हूँ इसी पीडीएफ के अंदर। थोड़ा सा स्क्रोल करना पड़ेगा क्योंकि स्टार्टिंग में 11th का सिलेबस रहता है। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं भैया, नीचे अगर आए हम लोग तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 12th कोर्स स्ट्रक्चर करके। तो ये सारे जो चैप्टर है वो मैंने आपको बताया, ये पढ़ने हैं आपको, ये आप देख ही सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम लोग चले तो आपको डिटेल में बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखो यहाँ पर चेंज क्या हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लो। पहले पिछले साल का जो सिलेबस था, यानी कि 2022-23 का जो सिलेबस था, उसके अंदर कुछ कम टॉपिक्स थे। इस बारी ना कुछ टॉपिक आपके ऐड हो गए हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि यूनिट नंबर 1 की बात करूं, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर पिछले साल भी आपका पहला टॉपिक ये जो दे रखा है, दूसरा और ये जो तीसरा टॉपिक दे रखा है, ये तीनों टॉपिक थे। लेकिन इस साल के सिलेबस के अंदर 2 टॉपिक और ऐड कर दिया है। ये चौथा वाला टॉपिक देख सकते हैं और ये पांचवा वाला टॉपिक देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक और ऐड कर दिया है इस साल के सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो इस साल क्या हुआ है भैया, कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। क्योंकि देखो पहले क्या था, कोरोना वोरोना का टाइम चल रहा था, लेकिन अब क्या है, कोरोना वोरोना का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। नया सेशन है, फ्रेश सेशन है, तो इसीलिए सीबीएसई ने थोड़ा और चीज यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डिटेल में बिल्कुल टॉपिक बता रखा है कौन कौन से टॉपिक आपको किस किस चैप्टर से पढ़ने हैं। जैसे कि अगर मैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो यहाँ पर ओबेसिटी यानी कि मोटापे वगैरह के बारे में पढ़ना है आपको, उसके बाद डायबिटीज वगैरह के बारे में पढ़ना है, अस्थमा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सारा का सारा मैंने पढ़ा रखा था पिछला साल जो गया है ना, पिछले साल के बच्चे उनको पता होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको सैंपल पेपर के अंदर ज्यादातर कवर करवा रखा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो करवाया था उसके अंदर भी ये सारी चीजें मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो ये आपका है, बाकी आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने का भी मैं आपको प्रोसेस यही लगे हाथों बता ही देता हूँ। ये आपको देख ही सकते हैं इस तरह से डाउनलोड कैसे करना है ये वाला सिलेबस का पीडीएफ। ये देखिए सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको गूगल खोल लेना है किसी भी ब्राउजर के अंदर, और गूगल पे आपको जा करके सर्च करना है सीबीएसई अकेडमी, ठीक है। सीबीएसई अकेडमी जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आपको एक वेबसाइट देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है करिकुलम वाले, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है ना, इस पर क्लिक करना है। करिकुलम पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर करिकुलम 2023-24 पे आपको क्लिक करना है अपना सिलेबस डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर जैसे कि सीनियर सेकेंडरी करिकुलम पे हम लोग क्लिक कर देते हैं 11th-12th वाले पे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, अकेडमिक इलेक्टिव करके ग्रुप ए जो दे रखा है यहाँ क्लिक करना है। नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर आपको फिजिकल एजुकेशन का जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है वो देखने को मिल जाएगा। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से उसका पीडीएफ खुल करके आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं यही पीडीएफ मैं अभी आपको दिखा रहा था। और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको यहाँ पर सिलेबस डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री का करके दिखा देता हूँ तो वो भी आप पे डाउनलोड हो जाएगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। जियोग्राफी का करना है तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो कोई से भी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन ध्यान रहे लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट के सिलेबस रहने वाले हैं वो इंग्लिश में रहे, ठीक है। यहाँ पर हिंदी का सिलेबस हिंदी में रहेगा, यहाँ पर संस्कृत का सिलेबस संस्कृत में रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश जो और सब्जेक्ट है उन सबका सिलेबस जो आता है वो इंग्लिश मीडियम में आता है। हम कोशिश करते हैं कि वही सारा सिलेबस काफी सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि सभी तरह के बच्चे जो है उस सिलेबस को समझ सके और ये जान सके कि पूरे साल भर उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो, आई होप कि पूरा आपको समझ में आया होगा अपना सिलेबस फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का बटन देखने को मिल रहा होगा, लाल या सफेद कलर का, उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा भैया सब्सक्राइब आप कर लेंगे और हमारे परिवार के साथ आप जुड़ जाएंगे। इस यूट्यूब का जो हमारा पूरा बड़ा सा परिवार है ना, इसमें आप शामिल हो जाएंगे। जैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक
करेंगे, आपको बगल में बेल का आइकन, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे, और आने वाले जो एग्जाम्स है उसकी तैयारी और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।